नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। खराब जीवन शैली और खान पान से जुड़ी कमियों के कारण आजकल बहुत से लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है, पर इनमें से ज्यादातर लोग वे हैं जो कि रात में गैस की समस्या की शिकायत करते हैं। इसे मेडिकल टर्म में गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। सोने पर ज्यादा लोगों के साथ यही समस्या होती है और फिर वे बदहजमी और गैस से परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये एक सामान्य पुरानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्थिति है जो तब होती है जब पेट की सामग्री इससे बाहर निकलकर फूड पाइप में चली जाती है। GERD का सबसे आम लक्षण सीने में जलन और रह रहकर खट्टी डकार आना है। इसके अलावा रात में आपको मतली, ब्लोटिंग और उल्टी भी महसूस हो सकती है। रात में गैस की समस्या का कारण एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब फूड पाइप के निचले हिस्से, जिसे एसोफेगल स्फिंक्टर, मांसपेशियां भोजन को पेट से बाहर निकलने से रोकती हैं। ये इन मांसपेशियों की कमजोरी और शिथिलता के कारण भी हो सकती है। साथ ही रात में होने वाली एसिडिटी डाइट, सोने का तरीका, गुरुत्वाकर्षण और शरीर रचना विज्ञान पर भी निर्भर करती है। चलिए बात करते हैं उपाय की। अपनी बाई ओर सोए। एसिड रिफ्लक्स से बचने के लिए अपनी बाई ओर सोए। बाई ओर सोने से गुरुत्वाकर्षण आपके पक्ष में काम करता है, क्योंकि आपका पेट आपके फूड पाइप के नीचे रहता है और एसिड रिफ्लक्स होने पर अगर आप दाहिनी करवट करके सोते हैं तो ये तुरंत गले तक पहुंच जाता है। सर के साइड को ऊपर रखें। अपने सिर के नीचे और ऊपरी पीठ के नीचे अतिरिक्त तकिए लगाकर और अपने सिर को अपने शरीर से 6 से 8 इंच ऊपर उठाकर सोने से आप एसिडिटी से बच सकते हैं। सिर को शरीर से ऊपर उठाकर सोने से आप इस समस्या से आसानी से बचा सकते हैं। पीठ के बल ना सोएं। पीठ के बल सोना आपकी एसिड रिफ्लक्स की समस्या को बढ़ा देता है। जब आप पीठ के बल सोते हैं और एसिड आपके पेट से निकल जाता है और गले तक पहुंच जाता है, जिससे आपको खट्टी डकार महसूस होती है। इसके अलावा अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं तो ये समस्या आपको और ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।